तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलेशन क्लास। तो इंसुलेशन क्लास जो है कुछ नहीं है, जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटन चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर उसको विथस्टैंड कर सकता है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेमा, IEC, UL, ठीक है। तो नेमा क्या है? नेमा है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है। और आईसी क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, और यूएल जो है वो है अंडर राइटर्स लेबोरेटरी। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मिला के इंसुलेशन क्लास डिवाइड किया है ये लोग, ठीक है। इंसुलेशन क्लास डिवाइड किया है, इंसुलेशन क्लास किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? कौन सा इंसुलेशन क्लास कितना मैक्सिमम टेम्परेचर विस्टर्न कर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर विस्टर्न कर सकता है मैक्सिमम, तो उसी हिसाब से इंसुलेशन क्लास बनाया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा क्लास है, उसका टेम्परेचर रेटिंग कितना है और उसको कैसे याद रखना है। तो ये तीन चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला इंसुलेशन क्लास जो है, देखिए वाई है, ठीक है। वाई का मैक्सिमम उष्ण टेम्परेचर जो है वो है 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है ए, ए का मैक्सिमम उष्ण टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ रहा है ई, इसका है मैक्सिमम 120। उसके बाद आ रहा है बी, ये होगा मैक्सिमम 130 डिग्री। उसके बाद आ रहा है एफ, इसका है मैक्सिमम 155। उसके बाद आ रहा है एच, इसका होगा 180। उसके बाद आ रहा है सी, ग्रेटर देन 180, ठीक है। तो ये मेरा टोटल इंसुलेशन क्लास हो गया। यहाँ पे देखिए, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह अगर अल्फाबेटिकली रहता ए बी सी ई एफ डी ऐसा करके, तो ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन मतलब आसान हो जाता। ये थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आसान सा ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको याद हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे करके यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। पहले 19, उसके बाद ये कितना 15 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे +15, यहाँ पे भी +15, यहाँ पे +10, और यहाँ पे जो है देखिए 25, और यहाँ पे जो है देखिए 25, और यहाँ पे जो हुआ ए, मतलब सबसे ज़्यादा है, मतलब 180 से ऊपर हो जाएगा तो सी क्लास बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो इंसुलेशन क्लास है वो है सी। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, और रेटिंग भी पूछता है कितना रहता है। और सबसे कम टेम्परेचर उस्टेंड करने वाला जो है वाई, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना, देखिए आप ये 135 को जगह मान लीजिएगा, यहाँ पर 135 है, ठीक है, 135 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 135 मान लेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो पहला जो है देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 15 करके यहाँ पे जो है बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है 15 डिग्री करके। तो ऐसे यहाँ पे याद रख सकते हो। तो 15 डिग्री करते याद रखेंगे तो ये इतना तक याद रह जाएगा, ठीक है, 130 तक, मतलब तो बी तक याद रह जाएगा। फिर एफ के लिए क्या, 135 करेंगे तो यहाँ पे +2 बार 25 हुआ है। एक बार देखिए यहाँ पे 25 हुआ है, और नेक्स्ट एक बार 25 हुआ है। तो पहला जो चार चार बार क्या हुआ, 15 ऐड हुआ है, और लास्ट में जो 2 बार है वहाँ पे 25 ऐड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक्स है यहाँ का, ठीक है। तो 4 बार 15 और 2 बार 25, ठीक है, 25। तो ऐसे याद रखते हो ये। और इधर का जो सीरियल है, इधर का मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वहाँ से आप
याद कर सकते हो। ठीक है, वो सेंटेंस कौन सा है देखिए, सेंटेंस ये है, यू आर ए, यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से आपको ये बता दिया है कि आप एक इंजीनियर बॉय हो। ठीक है, तो यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हाई कोर्ट, तो ये सेंटेंस आप याद रखेंगे तो इसका जो सीरीज है पूरा आपको याद रह जाएगा। देखिए, यू से वाई ले लीजिए कैपिटल, ठीक है, आर से ए ले लीजिए कैपिटल, इंजीनियर से ई ले लीजिए, बॉय से बी, फ्रॉम से एफ, एच से हाई और कोर्ट से सी ले लीजिए। तो ये आप सेंटेंस याद रखेंगे, यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हाई कोर्ट, तो यहाँ पे ये पूरा सीरीज आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्वेश्चन है वो 4 बार 15, ठीक है, मतलब 90 से स्टार्ट हो रहा है, आपको स्टार्टिंग याद रखना है और 4 बार 15 लेना है, और लास्ट में जो हो रहा है 180। देखिए यहाँ पे भी एक सिमिलरिटी है, 19 से स्टार्ट हो रहा है, 180 तक आ रहा है, तो 19 × 2 180 हो रहा है, तो ये भी आपको आसान से याद रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टिक्स लगा के टेक्निकली पढ़ेंगे तो आपको याद रखना ही रखना है। तो इसका एक पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हाई कोर्ट, तो पिक्चर देखने से आपको और भी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फिगर मैं दिखाया हूँ, ये हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, तो हाई कोर्ट से आपको बता दिया है आप एक इंजीनियर बॉय, इंजीनियर बॉय, ठीक, तो क्लास ऑफ इंसुलेशन ऐसे ट्रिक्स लगा के आप आसानी से याद कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, और वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंसुलेशन क्लास पूरा याद हो जाएगा। और इंसुलेशन क्लास याद करेंगे तो इंसुलेशन क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा इंसुलेशन क्लास का कौन कितना रेटिंग है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है और कौन सा सबसे कम है। ठीक है, 180 से ज़्यादा सबसे सी है और वाई सबसे कम है, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।